मथुरा जिले में शनिवार को वृंदावन यमुना नदी के किनारे संघ प्रचारक के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वृंदावन कोतवाली इंस्पेक्टर अनुज कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है, तो वहीं एक दरोगा समेत दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। दो होमगार्ड पर कार्रवाई के लिए कमांडेंट को पत्र भेजा गया है। तरह से मारा और इतनी बुरी तरह से जिला प्रचारक और नगर प्रचारक को स्नान करते समय मारा कि आप यहाँ नहाने आ गए, कुंभ खत्म हो गया, तुम यहाँ कैसे नहा रहे हो। उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं मारेंगे, आज हम क्यों नहीं मारेंगे। उसके बाद सुबह से पूरा कार्यकर्ता शांति व्यवस्था बनाए हुए 3 घंटे तक थाने में बैठा रहा, लेकिन पुलिस वालों के नाम नहीं बताए। और जब 3-4 घंटे बैठे, बड़ी मुश्किल से वो नाम पता पड़े, तो नाम पता पढ़ने के बाद हमने तहरीर लिख के दी और यहाँ मेडिकल कराने आए। और मेडिकल कराने के बाद जब पुलिस को ये लगा कि हमारे आदमियों ने जिला प्रचारक को मारा है और अब हमारे सिपाहियों के और दरोगा के खिलाफ मुकदमा लिख रहा है, तो उसकी पुनरावृत्ति करते हुए इंस्पेक्टर वृंदावन अनुज मलिक, ललित, शैलिंदर, नवीन कुमार त्यागी, कांस्टेबल राजवीर सिंह यादव, अमित, इन सब लोगों ने और सीओ तिवारी, रमेश तिवारी सीओ, इन सब लोगों ने एक राय होके और हॉस्पिटल में मेडिकल जिला प्रचारक और नगर प्रचारक का कराते वक्त ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। और वो लाठी बरसाने का तात्पर्य यह है, आप कैमरा में देख रहे हो कि एक कार्यकर्ता के बुरी तरह से खून बह रहा है और यह पुलिस की बब्बरता है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पूरे थाने को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए,